व्हाट्सअप गाइस, तो आज का वीडियो होने वाला है इन्फॉर्मेशनल। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप ग्लू वॉल और ग्रेनेड को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, अभी ग्लू वाला और ग्रेनेड एक ही स्लॉट में है। तो एक स्लॉट में होता क्या है कि आपको दो बार यहाँ पर टच करना पड़ता है। अगर आप ग्रेनेड लेना चाहते हैं, वहीं ग्लू वॉल लेना चाहते हैं, एक बार टच करके आ जाता है, लेकिन ग्रेनेड लेने के लिए दो बार टच करना पड़ता है। तब तक दोस्तों आपको बंदा, सामने वाला बंदा जो है, किल करके चला जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। जब भी आप फ्री फायर खेलते हैं तो इसको अलग अलग करके खेला करिए। अलग अलग खेलने से क्या फ़ायदा होता है कि आप चाहे तो ग्लू वॉल ले लीजिए, चाहे तो ग्रेनेड ले लीजिए, आपके ऊपर रहता है कहाँ पर आपको टच करना है। वहीं दोस्तों एक में रहता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो शायद आपका भी एक में होगा, और ये बहुत ही छोटा सेटिंग है। अगर आपको पता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे यहाँ पर इंटरेस्टिंग वीडियो, इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में चला जाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ क्या क्या दिक्कत होती है जब एक स्लॉट में आपका ग्लू वॉल और ग्रेनेड रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हमारे पास ग्लू वॉल और ग्रेनेड एक ही स्लॉट में। अब दोस्तों जैसे कि मुझे ग्लू वॉल लेना है तो मुझे यहाँ पर टच करना पड़ेगा, तब देख सकते हैं यहाँ पर ग्लू वॉल आ गया। लेकिन दोस्तों मुझे ग्रेनेड लेना है तो यहाँ पर फिर से टच करना पड़ेगा। तो दो बार यहाँ पर टच करना पड़ता है, और ग्रेनेड फेंकने के लिए आप यहाँ से फेंक सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दिक्कत तब आ जाती है जब आपको ग्लू वॉल या ग्रेनेड लेना पड़ता है। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं दो बार मुझे टच करना पड़ रहा है। इसलिए दोस्तों इसको आपको अलग अलग करना है तो बहुत ज़्यादा सिंपल सेटिंग है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सेटिंग में। यहाँ पर मैं सेटिंग में चला जाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पर सीधा आपको कंट्रोल में चले जाना है। कंट्रोल में जाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है जिसका नाम है ग्रेनेड स्लॉट, और यहाँ पर देख सकते हैं सिंगल स्लॉट है। सिंगल स्लॉट मतलब कि अभी एक ही स्लॉट में यहाँ पर हमारा दोनों ग्रेनेड और ग्लू वॉल रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डबल कर देता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेनेड और ग्लू वॉल ये अलग अलग हो गया। अब दोस्तों मैं बहुत ही आसानी से ग्रेनेड और ग्लू वॉल टच कर सकता हूँ, और हमारे हैंड में ग्लू वॉल और ग्रेनेड आ जा रहा है। तो इसका बहुत ही यूजफुल है अगर आप इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कैसे आपको अलग अलग ग्रेनेड और ग्लू वॉल करना है। बहुत ज़्यादा सिंपल सेटिंग है। बस दोस्तों वीडियो में इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।